बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, वो कौन से कंडीशंस हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, ये हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक है। इंशाल्लाह ये शॉर्ट सा टॉपिक है, इसे हम इस तरह पढ़ेंगे कि आपको फिर जो आप गाइड में से याद कर रहे हो या नोट्स में से याद कर रहे हो, आपको इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने यहाँ से एक पेपर और पिन लिया और इसे नोट करना शुरू कर दिया तो भी बहुत आपके लिए ये फ़ायदामंद होगा, सही है। अच्छा, conditions for equilibrium. So the first and main condition for equilibrium is that the system must be closed. System must be, यही से मैं कैपिटल में लिख रहा हूं कि must be closed. किस तरह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम हमारे पास क्लोज होना चाहिए। लेट सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, सही है। अब यहां पर हमारे पास, हमने लेट सपोज एचसीएल में हमने एसिड में बेस डाल दिया और हमारे पास एक रिएक्शन हो गया, और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सिस्टम हमारे पास क्या है, ये सिस्टम हमारे पास ओपन है। तो होगा ये कि यहाँ पर जो चीज़ें बनेंगी या तो ये इवापोरेट होकर इन्वायरमेंट में आ जाएंगी, या इन्वायरमेंट से चीज़ें गैसेस वगैरह रिएक्ट करके इसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी। तो हमारे पास वो पूरा केमिकल रिएक्शन का डायमेंशंस ही चेंज हो जाएगा। लेट सपोज ये हमारे पास ए है, बी के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहा है, सी और डी बैकवर्ड ए और बी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास सी और डी जो यहाँ पर बन रहा है, ए बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, या ये सी और डी उड़ जाएंगे या ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट उस इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुँच ही नहीं पाता। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो फर्स्ट मेन चीज़ है वो ये है कि द सिस्टम मस्ट बी क्लोज। ये सिस्टम हमने क्लोज कर लिया। अच्छा, अब ये ए और बी जो यहाँ पे बन रहे हैं, ये सी और डी जो यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो इसी सिस्टम में होंगे। सी और डी बनेंगे यहाँ पे, यहाँ पर ए और बी होंगे, फिर एक स्टेज इस तरह आ जाए कि ए और बी कन्वर्ट होके सी और डी में आ जाएंगे, और एक स्टेज इस तरह आ जाएगा कि सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट होंगे। तो ये रिएक्शन चलता जाएगा, एक स्टेज इस तरह आ जाएगा कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसी स्टेज पर हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। हम कहेंगे कि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। सो द फर्स्ट मेन रीजन फॉर इक्विलिब्रियम इज दैट द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, सिस्टम को क्लोज होना पड़ेगा। सेकेंड इसका की जो कंडीशन है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड नॉट बी एडेड, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड नॉट बी एडेड नॉर एक्सट्रैक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम हासिल हो रहा है, हो गया है, इसमें हमने ना ए और बी और डालना है और ना सी और डी को यहाँ से निकालना है। मतलब हमने इसके कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। We don't need to, no need of changing concentration of reactant and product. हमें ए और बी, या हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ खेलना वगैरह नहीं है। ये नहीं करना कि हम यहाँ से सी और डी निकाल लें या ए और बी मज़ीद डाल लें या सी और डी डाल दें। बस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है उसके साथ हमने नहीं खेलना। अगर हमने खेल लिया तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज ये रिएक्टेंट है ए, सही है, ये हमारे पास लेट सपोज 50 मॉलिक्यूल्स हैं ए के और 50 मॉलिक्यूल्स हैं बी के 50 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स सी के और 50 मॉलिक्यूल्स डी के बन रहे हैं। ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
सही है, ये 50 सी के बन रहे हैं और 50 डी के बन रहे हैं। अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा 50 ए के मॉलिक्यूल्स है 50 बी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 50 सी और 50 डी मॉलिक्यूल्स बना रहा है, यही 50 सी और 50 डी मॉलिक्यूल बैकवर्ड भी इसी तरह रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा अब अगर इसकी कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया, हमने रिएक्टेंट्स ज़्यादा डाल दिए, तो ए और बी का कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दिया, तो हमारे पास जब हम ए और बी का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है जो हमारे पास, वो बढ़ेगा। ए और बी का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, लेट्स सपोज हमने 100 ए और 100 बी कर लिए, तो जो रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गई। अब इक्विलिब्रियम सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। सही है। अच्छा अब अगर हमने जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज कर लिया, तो अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लिया तो रिएक्शन क्या किस तरफ आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में ये वापस इक्विलिब्रियम की तरफ, इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। सो अगर हम ए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम चेंज होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में एक जुमले में समझाऊं, इफ़ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इक्विलिब्रियम विल चेंज, इक्विलिब्रियम विल ब्रेक, इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। बस बहुत सी जुबानों में समझा दिया आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने चेंज नहीं करना। अच्छा अब थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं, कैटलिस्ट। हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में यूज होता है, खुद इस कैटलिस्ट की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। लेट सपोज ए बी, ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ये ए और बी, सी और डी बना रहे हैं। लेट सपोज हमने इसमें एक कैटलिस्ट ई डाल दिया, अब ई का काम यह है कि ये इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। सही है, ये अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, ए और बी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे, सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ई ही रहेगा केमिकल रिएक्शन में। इसका सिर्फ काम यह है कि ये केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाए। अच्छा अब होगा ये यहाँ पे कि जो हमारे पास ये कैटलिस्ट है इसको हमने चेंज नहीं करना। अगर लेट सपोज यहाँ पर ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं और यहाँ पर कैटलिस्ट ई है हमारे पास, ये हमारे पास कैटलिस्ट ई है। सो इस ई को हमने, लेट सपोज एक दूसरा कैटलिस्ट है हमारे पास एफ, इस ई को हमने एफ से चेंज नहीं करना। अगर हम इस कैटलिस्ट ई को कैटलिस्ट एफ से चेंज करवाएंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं वो डिस्टर्ब होंगी। आपको समझ आ गई बात कि कैटलिस्ट को हमने चेंज नहीं करना। अच्छा अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्थ जो मेन फैक्टर है ना वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी हमने गुत्तम गुताई नहीं, क्या कहते हैं उसे, मतलब इसको नहीं चढ़ना, टेम्परेचर को भी हमने नहीं चढ़ना। टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट सपोज ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। सो जो रिवर्स प्रोसेस है उसमें हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेट सपोज यहां पर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा या रिवर्स रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, वो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जबकि एंडोथर्मिक में हमारे पास एनर्जी
ऑब्जर्व होती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं। सो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी ऑब्जर्व होगी और सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा। अब अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। अब अगर हमने सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमने चेंज किया तो गई वेंस पानी में, इक्विलिब्रियम भी आपके साथ, इक्विलिब्रियम भी आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर लेट सपोज इस कंटेनर में हमारे पास गैसेस वगैरह हैं, जिस पर गैसेस पर बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो अगर मज़ीद जो और भी रिएक्शंस होते हैं उनमें भी हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन गैसेस में ये जो प्रेशर वॉल्यूम का इम्पैक्ट है ये ज़्यादा होता है। सही है। अच्छा, अब जो फिफ्थ है ना, हमने ख्याल रखना है प्रेशर एंड टेम्परेचर का, सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम का। अब अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा तो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। देखिए, आपको समझ आ गया होगा, अभी भी समझ नहीं आया तो 30 सेकंड्स दे दें, यूं आपको कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम समझ आ जाएगा। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के लिए जो सबसे मेन बात है वो ये है कि सिस्टम को क्लोज होना पड़ेगा, हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं छेड़ना। सही है। इसी तरह हमने कैटलिस्ट को भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैटलिस्ट को चेंज नहीं करना, अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर, काफ़ी अहम किरदार अदा करता है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमारे पास चेंज होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इसी तरह प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमने मद्देनजर रखना है इक्विलिब्रियम के, जब हम इक्विलिब्रियम का केस स्टडी कर रहे होंगे तो हमने इन दोनों के फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है। स्पेशली जब हम गैसेस के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो गैसेस इक्विलिब्रियम में प्रेशर एंड वॉल्यूम काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें, और बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।